Good morning, children. This is your math class. Yesterday, we did some exercise of chapter number 4, shapes. Now, take out your math book and notebooks. Now, today we will continue this chapter. Okay? Let's start. Write the first. देखिए, take out your page number 55. क्या है? 55 निकाल लीजिए. Write the name of the geometrical figure, plane figure, solid figure for the following. क्या है ये देखिए, हमें यहाँ पर कुछ फिगर दी हुई हैं और हमें उनके नीचे लिखना है कि geometrical figure है, ये plane figure है या solid figure है. तो first है and
का शेप फिगर विच इज डिफरेंटली ईच रोप. ये देखिए, ये आपको कुछ शेप्स दी हुई है और जो उन रो में से हर रो में एक शेप क्या है बिल्कुल डिफर है, उसको हमें राइट लगाना है. तो फर्स्ट में देखिए, ये इरेजर है और ये बॉक्स है. ये क्या है? बुक है. ये एक से हैं और ऑनली ये गैस सिलेंडर जो है वो दूसरी शेप का है, तो इस पे हम गैस सिलेंडर पे टिक लगाएंगे. सेकेंड है, देखिए सब चीज़ ग्राउंड है, बॉल है, सब कुछ जो है क्या है वो राउंड है. सिर्फ जो एग है वो ओवल शेप का है, तो वो उसकी शेप क्या है डिफरेंट है, तो हम ओवल को राउंड करेंगे. फिर थर्ड है, सब कौन सी शेप के हैं? देखिए आइसक्रीम है, लैम्प है, शटल कॉक है, सब ट्राइंगल शेप के हैं. सिर्फ ऑनली बॉल जो है वो डिफरेंट शेप की है, तो हम बॉल को टिक करेंगे. फोर, देखिए ये गैस है, ये पेंट का डिब्बा है, ये कैंडल है और ये कैप है. ये सब कैसी शेप के हैं? ये सब एक शेप के हैं और ओनली कैप जो है वो ट्राइंगल शेप की है, तो इसलिए कैप क्या है वो डिफरेंट शेप की है, तो हम उसे टिक कर देंगे. अब है यहाँ देखिए, ये टमाटो है, ये बॉल है, ये ऊन है, सब क्या है? ये डिफरेंट शेप है. और ये जो डाइस है ये एक डिफरेंट शेप में है, क्यूबर शेप में है, क्यूब शेप में, तो इसको हम टिक करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट शेप है. अब है चेस है, कैरम है, ये पिलो है, तो ये सब किस शेप में है? एक शेप में है. ये सारे स्क्वायर शेप में हैं, ओनली ये जो हैंगर है ये ट्राइंगल शेप का है, तो इसकी शेप डिफरेंट है, इसको हम ट्राइंगल हैंगर को डिफरेंट शेप में टिक करेंगे. अब है नेक्स्ट, देखिए कैप है, हैंगर है और ये वो है, सब ट्राइंगल शेप के हैं, ओनली ये अलमीरा है ये रेक्टेंगल शेप में है, तो ये हमारी चेंज है, तो इसलिए हम टिक करेंगे. जो भी इनमें दी हुई है एक लाइन में जो डिफरेंट शेप का है उसे हमें टिक करना है. अब है कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग एंड स्लाइडिंग. क्या है रोलिंग एंड स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट? रोलिंग ऑब्जेक्ट्स विच हैव कर्व सरफेस रोल डाउन इन द पिक्चर वी सी दैट द फुटबॉल इज रोलिंग डाउन. देखिए ऑब्जेक्ट्स विच हैव कर्व्ड सरफेस रोल डाउन, जो कि ऊपर से नीचे को रोल हो रहा होता है. इन द पिक्चर वी सी दैट द फुटबॉल इज रोलिंग डाउन. जो देखिए फुटबॉल है वो ऊपर से नीचे को रोल हो रही है. स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स विच हैव फ्लैट सरफेस स्लाइड डाउन. इन द पिक्चर वी सेड दैट द बुक इज स्लाइडिंग डाउन. या ऑब्जेक्ट्स वो चीज जो कि फ्लैट सरफेस में स्लाइड डाउन होती है. इन द पिक्चर वी सी दैट द बुक इज स्लाइडिंग डाउन. पिक्चर में क्या है बुक को स्लाइड डाउन दिखाया है. लुक एट द पिक्चर एंड राइट आर फॉर द ऑब्जेक्ट दैट रोल एंड एस फॉर द ऑब्जेक्ट दैट स्लाइड. क्या है, ये पिक्चर दी हुई है. अगर आपको जो हमें ऑब्जेक्ट्स रोल हो सकते हैं उनके लिए हमें आर लिखना है और जो स्लाइड करेंगे उनके लिए हमें एस लिखना है. देखिए जैसे ये बेलन है, तो बेलन क्या है? ये रोल होगा, इसके नीचे हम आर लिखेंगे. ये इरेजर है, ये स्लाइड होगी, तो इसके नीचे एस लिखेंगे. ये क्रियॉन्स है, इसके नीचे भी ये भी रोल होंगे, तो इसके नीचे आर लिखेंगे. ये इरेजर, इसके नीचे हम एस लिखेंगे. सेकेंड है, ये देखिए ये पेंसिल बॉक्स है, तो ये स्लाइड होगा, इसके नीचे एस लिखेंगे. ये बॉटल है, बॉटल क्या होगी? रोल होगी, इसके नीचे भी हम आर लिखेंगे. ये टमाटो, टमाटो भी रोल होगा, इसके नीचे भी आर लिखेंगे. शार्पनर है, तो शार्पनर क्या है? ये स्लाइड होगा, इसके नीचे
शेप है, इसके नीचे हम राउंड आर लिखेंगे, ये इसके नीचे भी एस लिखेंगे और ये बॉक्स है, इसके नीचे भी हम एस लिखेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड। जहां अगर राउंड गोली होनी है जैसे फर्स्ट में बेलन के नीचे आर लिखेंगे, ये इसके नीचे एस लिखेंगे, क्रियॉन्स है इसके नीचे आर लिखेंगे, इरेजर के नीचे एस लिखेंगे, ये पेंसिल बॉक्स है इसके नीचे भी एस लिखेंगे, आर के नीचे बॉटल के नीचे आर लिखेंगे, टमाटो के नीचे आर लिखेंगे, शार्पनर के नीचे एस लिखेंगे, ये डाइस है इसके नीचे एस लिखेंगे, ये गैस